हमारे मोटापे पे तो कुछ है, एक दो बड़ी बड़ी ब्लॉगर्स उनको क्या दिक्कत होगी पता नहीं, हमारे मोटापे का मजाक उड़ा दिया, बॉडी शेमिंग कर दी, नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, तो आज संडे स्पेशल में ऐसे तो कुछ खास नहीं बन रहा है, कस्टर्ड बनाऊंगी और भाजी बड़े बना रही हूँ। एमपी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में भाजी बड़े लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, वहाँ पे तो क्या होटल वगैरह में मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी बिकते हैं समोसे आलू बुंडे भाजी बड़े। की रेसिपी सेकंड चैनल में मिल जाएगी, मेरा सेकंड जो चैनल है उस पर मिल जाएगी। मैंने और दीव ने पहले से खाना शुरू कर दिया था, बस मम्मा हम लोग अभी ज्वाइन करी है। और ये जो पीछे आप उथल पुथल दिख रही है, ये नवरात्र की सफाई है। बेसिकली 13 तारीख से नवरात्र है, तो मैया के स्वागत के पहले साफ सफाई जरूरी है। तो बस उस कमरे की, घर की पूरी सफाई चल रही है। अभी हम नहाए भी नहीं है, संडे का दिन है। देव नहा धो के तैयार रहे हमारा। तो अभी आ रही है नरसिम्हा एक्टिंग, साउथ की एक मूवी आ रही है, रियल स्टोरी है। सर सयरा नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी है। शुरुआत की प्रोनाउंसिएशन मेरे को भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, सायरा नरसिम्हा रेड्डी रियल लाइफ पे बेस्ड है किसी बहुत बड़े क्रांतिकारी के ऊपर, तो वो है। वैसे मेरा मेरे बेटे को साउथ की पिक्चर बहुत पसंद है, स्टोरी बहुत अच्छी होती है, स्टोरी में बहुत दम होता है सॉरी स्टोरी में वर्कआउट बहुत अच्छा करते हैं, मतलब देखिए चीज में बहुत डीप पे वर्क करते हैं, रियलिस्टिक लगती है तो इसे हम देखते हैं। बाकी अब मम्मा भी आपसे कुछ बात करेगी। भाजी बड़ा आप लोग भी खा लीजिए, मैं तो खा ही रही हूँ, खा चुके हैं। आप लोग भी खा लीजिए तब तक के फिर हम मम्मी सफाई में दोबारा लगता हूँ। पहले आज पापड़ बनाने का प्लान था, लेकिन फिर ध्यान आया कि अरे तारीख 11 आ गई है, बेटा पानी देना, तो क्लीन करना ज़रूरी है, तो फिर संडे भी है, सब लोग मिलकर कर लेंगे, हो जाएगा। इसलिए सुंदर दिख रहे हैं, साफ सुथरे एकदम, हमारे बाल बढ़िया से बने हुए इसीलिए इसीलिए आज हम इतने साफ सुथरे दिख रहे हैं। खैर बस फटाफट एक 1.5-2 घंटे में सफाई हो जाएगी हमारी। कल शेव आज नहीं करेंगे, बढ़ गए बट आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि फिर 9 दिन नहीं कर पाएंगे। 9 दिन नहीं करूंगा इसलिए आज हम रास्ते नहीं करूंगा, कल ही करूंगा। नेल्स भी कट करने, देखिए हल्के हल्के से आ गए, दिख रहे हैं ना हल्के हल्के से आ गए, इतने आ जाए तो फिर अजीब सा लगने लगता है। तो फिर चलिए, दिन भर का रूटीन अब चलता रहेगा, ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, पूछा ही नहीं। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से, हम भी यहाँ पर सेफ हैं। और वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉग्स विद पम्मी। हाँ जी, तो दोपहर में मैंने बनाया था कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, वेलवेट फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल में ही, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, जो अगर मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और अगर देखना चाहते हैं तो या तो मेरे रेसिपी वाला चैनल जो है कुकिंग चैनल उस पर भी जाके देख सकते हैं, किचन एंड ड्रेसिंग विद पम्मी पे, और इसमें भी है, तो मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आज रेसिपी नहीं शेयर करी मैंने, यहाँ पे हम लोग काफ़ी थक चुके थे तो हमने हमारी क्लिप ऐड नहीं करी, बस देव को दिखाया है। 4 बज चुके हैं, बस तरबूज खा रहे हैं अब। हाँ जी, तो शाम का समय हो चुका है, मैं अरहर दाल चढ़ा रही हूँ, 1 टमाटर, 5-6 लहसुन की करिया, 1 हरी मिर्ची, हल्दी वगैरह नहीं ऐड करी है। कुकर में दाल, 1 कटोरी दाल लेके पानी डाल के बस गैस पर रख रही हूँ, 4 सीटों में दाल कुक हो जाएगी। हम आज ड्रम स्टिक वाली अरहर दाल बनाएंगे। यहाँ पर बस अब मैं ड्रम स्टिक काटने बैठ रही हूँ, ड्रम स्टिक को मुनगा या सहजन भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने मुनगा छील लिया है, पूरे छिलके निकाल लिए हैं, और ये 1 आम की गुठली है, इसमें हल्के से आम का गुदा भी है। देन मुनगे को छीलने के बाद हम आ गए किचन में। यहाँ पे मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्ची, 2 लहसुन की करिया कट कर ली है, मुनगे को अच्छे से वॉश कर लिया है, साथ में 2 आम की थोड़ी सी मतलब ऐसा हल्की हल्की चीरियाँ काट के डाल दी हैं। ये दाल हमारी कुक हो चुकी है, इसे अच्छे से हम मथनी से घोट लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। बेसिकली हम लोग बोलते हैं, हमारे तरफ ना दाल को घोटना बोलते हैं, कि दाल घोट लेंगे ठीक से, ताकि जो टमाटर इसमें हमने ऐड किया था ना बड़े बड़े टुकड़ों में रफली चॉप करके डाला था, वो अच्छे से मैश हो जाएगा। एक हरी मिर्च डाली थी, वो भी अच्छे से मैश हो जाएगी, और देखिए कलर भी चेंज हो गया, हल्का सा रेडिश बना आ गया ना दाल में, और हल्दी ऐड नहीं की थी आज हमने। मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने रख दिया था, जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो 1/2 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड, 1/2 टीस्पून जीरा, और जो लहसुन और हरी मिर्च कट करी थी वो ऐड कर दी है। हल्का सा लहसुन को ना थोड़ा सा ब्राउन होने दिया, इससे टेस्ट बहुत ही प्यार आ जाता है हमारी मुनगे वाली दाल में, दाल मुनगा बोलते हैं हमारे तरफ। उसके बाद मैंने इसमें अनियंस जो कट करके रखे थे वो ऐड कर दिए, इनको हल्का सा पिंकिश होने दूंगी, पसीना बस निकालना है इनका जी, बाकी तो कुछ नहीं करना है।
सिंपल जैसे सारी दाल फ्राई होती है वैसी है, बट फिर भी शेयर कर रही हूँ। चलिए व्लॉगिंग कर रहे हैं तो और क्या करूँ, जो मेरे घर में हो रहा है वही दिखाऊंगी। तो वैसे सब क्या बनती होगी, बहुत यम लगती है ये दाल, बहुत ज़्यादा। देव की तो फेवरेट है, मतलब मुनगे कम पड़ जाते हैं हमारे घर में। देखिए बात करते करते ये भी पिंकिश हो चुके हैं, तो अब टमाटर ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मसाला भी तुरंत ही ऐड करना है। हाँ जी, तो मसालों में मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, और टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये जो हमने आम की एक गुठली, इसमें भी हल्का सा आम रखा था और 2 आम की चीरी और जो मुनगा, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था मुनगा फल्ली को, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पर रख के इसे हम 10 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि ऑयल में ही अच्छे से वो पक जाए, देन हम पानी ऐड करेंगे। इसे पूरा मिक्स कर लेती हूँ मैं, ताकि सारा मसाला, और इसमें थोड़ा सा ना ऑयल ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि ताकि मुनगा, वो कहते हैं ना कि मतलब ज़्यादा ऑयल में मुनगा अच्छे से पक जाता है, तो टेस्ट अच्छा आ जाता है दाल में। हाँ जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसे कवर करके रखा था मैंने। अब देखिए हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, आपको दिख भी रहा होगा, साइज़ देख के समझ में आ रहा होगा। इसमें मैंने अभी 1 ग्लास वाटर ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर कवर करके रख दूँगी, थोड़ा सा बॉयल होने देंगे इसे, ज़्यादा नहीं, बस एक बार बॉयल आने दिया था, उसके बाद दाल ऐड कर दिए। अब इसे दाल के साथ बॉयल होने देंगे, दाल के साथ बॉयल होगा ना, तो दाल में जो हमने आम की खटाई डाली है, ताजी वाली, फ्रेश आम की, कच्चे आम की, उसका स्वाद उसके अंदर रज के आएगा, और मुनगों में भी दाल मतलब अंदर तक रिस जाएगी, रज जाएगी, तो बहुत प्यारी हमारी दाल मुनगा बनेगी। हम लोग दाल मुनगा ही बोलते हैं घर में, आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो दाल मुनगा बोलते। ऊपर से प्लेट हटा ली है, कवर करके रख दिया था, अब देखिए अच्छे से पक चुकी है, बस फ्रेश धनिया ऐड करना बाकी है। तो फ्रेश धनिया ऐड करने के बाद सिर्फ 5 मिनटों के लिए कवर कर लूँगी, ताकि धनियों का ना फ्लेवर जो है दाल में रच जाए, फिर दाल हमारी बनके रेडी रेडी है जी। गैस को ऑफ कर दिया, दाल बनके रेडी है, कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ आपको मैं, आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी, ज़्यादा पतली, जैसी पसंद करते हो, मैंने मीडियम रखी है, मुनगे भी प्रॉपर पक चुके हैं, बस अब प्लेटिंग करना बाकी है, डिनर की तैयारी है। चलिए डिनर कर लेते हैं, प्याज कट कर लिए हैं, ये रहा राइस, ये रही दाल, ये देखिए इसमें बीच में आपको दिखा रही हूँ मैं, मुनगों के साथ जो आम की गुठली हमने डाली थी ना, वो भी प्रॉपर पक जाती है ना, तो उसको देव चूसता है खाते समय। हम लोग भी बचपन में बहुत चूसते थे, मम्मी जी देती थी, हम लोग झगड़ा करते थे, मम्मी जी को बोलते थे तीनों बहनों के लिए 3-3 डालो, बहुत अच्छी लगती है ये, चाहे बैंगन की सब्ज़ी की हो, चाहे कोई भी सब्ज़ी में अगर आम की जो खटाई डालो, फ्रेश आम की गुठली, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है उसमें, तो इसको चूसते चूसते देव भी चूसता है। चलिए हम भी डिनर कर लेते हैं, और आज की रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और व्लॉग भी ऑफकोर्स व्लॉग को भी देखा कीजिए। हम लोग परसों लेके आए थे ग्रोसरी आइटम सारा जो ख़त्म था घर का राशन, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। चीनी ना ये वाली यूज़ करते हैं हम लोग, सल्फर फ्री शुगर है ये, डबल रिफाइंड प्रोसेस से, मतलब अनटच्ड है, बिना हाथों के मतलब ये बनाई जाती है, और बहुत अच्छी है, मीठी भी होती है, ठीक होती है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ, कभी क्या पता किसी के काम ही आ जाए, मतलब अच्छा लगे तो बंदा ले ही ले, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। राशन सारा सैनिटाइज होके पड़ा था, अब मुझे राशन रखना पड़ेगा, इसमें से आधा तो उठ भी चुका है, आधा मैंने जगह पे रख दिया है, जिनको जिन बॉक्स में डालना था। और अभी थोड़े टाइम से हम लोग यही फेना का इम्पैक्ट वॉश यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो ये फ्रंट लोड, हमारी फ्रंट लोड है और ये टॉप लोड का है, बट अच्छा है ये, तो इसी को यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, पहले सर्फ एक्सल यूज़ करते थे, काफ़ी कम लगता है ये, तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर दूँ, आधा सामान गायब हो चुका है यहाँ से। और गर्मियों के लिए स्वीटो ये वाले साबुन लेके आए हैं, जो ठंडियों में तो मैं पर्ल यूज़ कर पियर्स यूज़ करती हूँ, स्वीट टू वेट एंड वेल्ट की यूज़ करते हैं, बट गर्मियों के लिए ये लेके आए हैं, कभी लिरिल भी अच्छी लगती है, या फिर इस जो की लेमन फ्लेवर, बहुत मज़ा आता है। बाकी तो सारा घर का ही सामान है जी, आधा गायब हो चुका है, डिब्बों में जा चुका है, और अभी ये पड़ा हुआ है, इनको भी रखना है, रात में ही रख दूँगी, क्योंकि कल बहुत काम है, क्योंकि फिर नवरात्रि की तैयारियाँ भी करनी है ना, कल बहुत ज़्यादा काम रहेगा। मंडे की मॉर्निंग हो चुकी है, रात में हम ब्लॉग का एंड नहीं कर पाए थे, कल से नवरात्रि स्टार्ट है, तो आज तो पूरा दिन हमारा नवरात्रि की तैयारी में बीच जाएगा, क्योंकि हमारे अखंड ज्योतर खेतरे दोनों रहते हैं, तो बाकी 9 दिन हम आपको मैया की सेवा दिखाएंगे, 9 दिन ऐसा कुछ विशेष रहेगा नहीं हमारे पास, वो ही सबसे ज़्यादा विशेष रहेगा, और उससे ज़्यादा विशेष कुछ हो नहीं सकता हमारे लिए, तो कम से कम तो 9 दिन हम आपको मैया की सेवा दिखाएंगे। बहुत 8वीं 9वीं पीढ़ी जो मतलब मैं जानता हूँ, जो पापा ने बताया मतलब मेरे को, मैं उससे पुराना नहीं जानता, जब से हमारे घर सेवा चालू है, तो मोदी मैया की सेवा करेंगे, उस समय तो मेरा बेटा भी जल्दी उठ के तैयार हो जाता है, सेवा करता है ये भी, मतलब जितनी ये कर पाता है।
यहाँ पे क्या हुआ, मैं देव के लिए पहले दूध लेके आई तो देखा तो देव जब भी सोफे पे बैठता है ना, वो सारा सोफे का कवर ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर दाएं बाएं, या तो नीचे फेंक देगा फर्श पे मिलेगा, या पूरा बिगाड़ देता है। अगर सामने वाला बैठना चाहे ना तो उसके लिए बिल्कुल भी होता ही नहीं है स्पेस, मतलब तो बड़ा अजीब सा कर देता है। तो बस मैंने बोली उसको पहले ठीक कर लेते हैं, तो उसी को ठीक कर रही थी, क्योंकि फिर मैंने से यही कहा ब्लॉगर्स हमारे मतलब सब्सक्राइबर क्या सोचेंगे, इनका सोफा बिगड़े रहता है हर समय। ये बोलते कोई नहीं, घर की बात है, सब देख ही तो रहे हैं रोज। बस अब देव को दूध दे रहे हैं सोफा ठीक करने के बाद, हम लोग चाय पियेंगे। स्वीटू गए हैं नीचे डस्टबिन लेके, क्योंकि सफाई वाले आ गए हैं कचरा लेने के लिए, तो सफाई वालों को हमारा दिन भर का कचरा देने के लिए वो आते हैं, तो हम लोगों की बहुत हेल्प होती है। हम सभी लोगों की सभी जगह आते हैं। मैं पी रही हूँ सुबह की पहली चाय और गुड मॉर्निंग एवरीवन। दूसरा नेक्स्ट डे लग चुका है तो गुड मॉर्निंग विश करना तो बनता ही बनता है। एंड आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से, हम भी यहाँ पर देखे। कल क्या हुआ ना, दिन भर नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र आ ही गए हैं जस्ट, कल से नवरात्र स्टार्ट है। और हम लोगों का हिंदुओं का नया साल भी कल से स्टार्ट है, चैत्र के नवरात्र के पहले दिन से नया वर्ष शुरू होता है। तो बस उसी के तैयारी में लगे थे, घर की साफ़ सफाई, क्लीनिंग आज भी थोड़ी सी बची है, अभी भी कम्प्लीट नहीं है। इस तरफ थोड़ा सा किचन में क्लीनिंग करना है, थोड़ा सा उधर का कबर्ड के नीचे थोड़ा बहुत साफ़ करना है, दीप के खिलौनों के कर्टन्स वगैरह जो हैं वो सब देखने हैं। तो और आज सारे कर्टन्स जितने भी सोफे कवर सारे जितना भी सब कुछ है आज मशीन लगानी, 3-4 बार मशीन लगेगी, सब कुछ क्लीन करना है आज, तो फाइनल क्लीनिंग आज हो जाएगी ना कल से। तो और फिर प्याज लहसुन जो भी बचा होगा कहीं, 2 मिनट से बोलते हो क्योंकि उनकी आवाज़ आ जाएगी। प्याज लहसुन और कुछ भी अगर कहीं बचा होगा, वैसे तो दोनों प्याज लहसुन ना एक छोटी छोटी मेरी वो हैं बास्केट्स, उसमें रखती हूँ, टोकरी बोल सकते हैं बेसिकली आप प्लास्टिक की, बट वो प्लास्टिक टब में है तो नहीं, शायद 2 प्याज होंगे, तो मैं अलग कर दूँगी, घर में नहीं रखना है। 9 दिन हमारा पहले से घर में हम रखते भी नहीं है और उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो आज जो खा लेंगे खा लेंगे, और आज रात में जो खाएंगे अगर कुछ बच भी गया, वैसे तो बचता नहीं, बहुत कम बचता है, बट अगर कुछ बच गया तो उसको ना फिर रात में तुरंत सारा जूठा क्लीन करके बाहर डालाएंगे कि कोई भी मतलब जानवर खा ले ऐसा। लेकिन प्याज लहसुन का कुछ भी आज घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद घर में नहीं रखेंगे, इसलिए आज बहुत सारे काम रहेंगे। हो सकता है आज ब्लॉगिंग ज़्यादा कर पाओ नहीं कर पाओ, अभी से नहीं बोल सकती। छोटों के साथ आपको इसलिए पूरी पूरी देख रही, क्योंकि अभी सफाई वालों को कचरा देकर आए नीचे से, और शायद कचरा आई थिंक 15-16 किलो का होगा, है ना? 10 किलो आटा, जिसपे चूहा बेटा पानी चाहिए, 10 किलो आटा, 4 किलो आटे को चूहे ने मुंह लगा दिया था, देव ने जल्दी से ना खुला छोड़ दिया था। और बाकी सफाई हुई तो बहुत कुछ, रद्दी पेपर ये वो, देव के टूटे खिलौने ऐसा बहुत सारा निकला, टूटे खिलौने पेपर। अब जैसे कभी देव को बोलो ना कि यार साबुन खत्म, अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो जिनसे मिलने के लिए आप इतने आतुर रहते हैं उनसे जीवन भर मिल पाएंगे। तो प्लीज सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, जितनी सतर्कता बरत सकते हैं बरतें, और जब तक जिसकी बारी आए प्लीज़ इंजेक्शन लगवाएं, वैक्सीन बहुत जरूरी है, कृपया किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना जाएं। जब हमारे प्रधान सेवक जी लगा सकते हैं, सभी लगा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते। तो प्लीज़ किसी भी प्रकार की मिथ्या बातों पे ना जाएं, इंजेक्शन लगाया जब वर्ल्ड हमारे पीछे पड़ा है उसको मांगने के लिए, वैक्सीन दो वैक्सीन दो वैक्सीन दो। कल न्यूज़ आई थी कि अब नहीं, फिलहाल एक्सपोर्ट नहीं हो गया ना, एक्सपोर्ट रोक दिया गया, केसेस बढ़ रहे हैं ना। जब दुनिया उस इंजेक्शन के पीछे पागल है तो मतलब हम तो वो वाली बात हो गई कि हम अपने घर की रोटी को छोड़ के बाहर की बासी रोटी खाने के लिए पागल हुए पड़ रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी बारी आने पर इंजेक्शन ज़रूर लगवाएँ, और जब तक ये नहीं आ रही है तो बिल्कुल, इस इंजेक्शन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई कवच कुंडल पहन लिए हैं, आप उसके बाद भी करता रखें। वैसे भी मतलब कुछ कुछ डॉक्टर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंजेक्शन लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कोविड हो नहीं सकता, इंजेक्शन लगाने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है, बट अगर आपने वैक्सीनेशन ले लिया, वैक्सीनेशन करवा लिया
आपको इतना है कि आपको इफेक्ट नहीं करेगा वो, आप इजीली उससे रिकवर हो जाएंगे। कोई मतलब हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगे कि आप वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इंजेक्शन लगवाइए, अपना भी ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। हमने भी लापरवाही तो बिल्कुल नहीं बरती, हम जैसे सब्जियाँ वॉश करते थे वैसे ही करते हैं। पूरी ठंडी आते थे, पहले स्प्रे करते थे, उसके बाद नहाते थे, उसके बाद ही कहीं आपको आप देखा भी होगा ब्लॉग्स में, अभी भी मेरा सामान वहाँ पड़ा हुआ है जो राशन आया था सैनिटाइज होके। तो अभी तो कल टाइम नहीं मिल पाया क्लीनिंग के चक्कर में, तो ये तो 30-35 घंटे से ज्यादा हो गया पड़ा हुआ। तीसरा दिन लग गया है 48 घंटे हो चुके हैं। तो उसको हम इमीडिएटली ला के डेटॉल, क्योंकि पैकेट आइटम रहता है उसको डेटॉल से पूछ लेते हैं, डेटॉल पानी से, उसके बाद उसको हम रख छोड़ देते हैं एक कोने में, पड़ा था उसमें हाथ भी नहीं लगाते, क्वारंटाइन हो जाता है टेबल पे। तो हम लोगों ने भी वेजिटेबल्स वगैरह क्लीन करना कभी छोड़ा ही नहीं था, कहीं भी बाहर जाते थे तो वो कपड़े तुरंत मशीन में जाते थे, मशीन में जाके भी ऐसा नहीं कि मशीन में डले हुए हैं, तुरंत मशीन ऑन हो जाती थी, चाहे वो एक जोड़ी कपड़ा होगा तो भी हम वॉश करते थे स्वीट ऑफिस से आके। जब से कोविड आया है लास्ट एक साल होने को आ गया, गर्मियों में तो हम नहाते हैं, गर्मी में दो क्या तीन टाइम नहा लेता है इंसान, कोरोना का बर्थडे बन चुका है ना। हाँ, तो स्वीट ऑफिस से आते थे तो तुरंत नहाते थे। हम लोग मार्केट कभी भी जाते थे आपने देखा होगा कि आने के बाद नहाना मतलब ऐसे नहाने, हेयर भी वॉश करते थे, चाहे सुबह भी अगर मैंने हेयर वॉश किया होगा और मार्केट गई हूँ तो आने के बाद मुझे नहाना है ही, वो हमने कंटिन्यू रखा ही था। बस हमने बीच में दो मिस्टेक्स की थी, मिस्टेक्स भी नहीं बोल सकते, पहचान की दुकान थी जहाँ हम मंदिर गए थे, हमने दो बार बाहर की कचौड़ी खाई है, बट भरोसे की शॉप थी, पता था कि सैनिटाइजेशन का पता था, सब कुछ पता था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और दो बार हमने चांदनी चौक में चाट खाई, इसके अलावा ये चार बार के अलावा हमने कहीं कुछ नहीं खाया है। और आइसक्रीम वगैरह दो तीन बार की, आइसक्रीम तो मोस्टली मैं घर में ही बनाती हूँ देव के लिए, ऐसा नहीं कि कोविड के चक्कर में बन रही है, बचपन से मम्मी जी बहुत सारी आइसक्रीम से खाई है ना, मम्मी जी को ना जो घरेलू आइटम्स है वो सारे पकवान आते ही आते हैं, बट मम्मी जी को बेकिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो बचपन से मम्मी जी ने घर का पिज्ज़ा ये सब, ऐसा नहीं कि अब कोविड आ गया, कोविड लोग बोलते हैं कोविड आ गया तो घर में चीज़ें ज़्यादा चलोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंडित तो कास्टिक चटोरी होती है और मैं किसी हमारे लिए बोल रही, किसी के लिए नहीं बोल रही, अपने लिए बोल रहे हैं और ये तारीफ है। और ऊपर से सोने पर सुहागो पंजाबी पंडित तो ज्यादा चटोरे हो गए हम लोग, हम चटोरे इनटू टू हो गए। शादी के पहले मैं गोस्वामी पंडित थी, शादी के बाद हो गए पंजाबी पंडित, तो चटोरी प्लस चटोरी इक्वल टू बहुत ज्यादा वाली चटोरी। एक सेकंड बेटा, चटोरी चटोरों का राजा हूँ बोल रहा है, उसको अभी साइड पे जानबूझ के बैठा रहा है, निक्कर पहन के आया नहीं है, तो मैंने उम्मीद तो वीडियो में नहीं आएगा, मानते नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो वो निक्कर नहीं पहन रहा है, और उसको यहाँ पे थोड़े रैशेज भी हो गए हैं गर्मियों से, इस वजह से उसको पहना भी नहीं रहा फोर्सफुली। मम्मी जी ने बचपन से सारा मतलब बेकिंग चीज़ें, कुकीज़, नान खटाई और केक, पास्ता बेक्ड पिज़्ज़ा ये सब कुछ मम्मी जी को पहले से आता है, तो उनको आता है, डेफिनेटली अपने बच्चों को तो सिखाएंगी। और आइसक्रीम्स तो बहुत सारी पहले से मम्मी जी पहले वैसे भी बिलीव करती थी बाहर ज़्यादा नहीं खाने में, कि घर में जब सब आ रहा है, तो क्योंकि नानी जी बहुत अच्छी कुक थी तो उन्होंने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छा कुक बनाया, अब मुझे जैसा आता है मैं बनाती हूँ, इन लोगों को जैसा पसंद आता होगा खा लेते हैं, बनाती अच्छा है और हम दबा के खाते भी हैं, ये हमारी सेहत से ही पता चल सकता है, इसमें कुछ मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। और जिसने भी रेसिपी ट्राई की होगी उसको इतना आइडिया लग जाता है रेसिपी बनाने के बाद कि कैसा बना है, उसमें कोई मिथ्या बात तो है नहीं। तो किसी का एक कमेंट, ये सर इसलिए बता रही हूँ, किसी का एक कमेंट आया था कि कोविड के चक्कर में घर में सब बनने लगा, तो ऐसा नहीं है जी, हम तो कोविड के पहले भी घर में सब बनाते थे, ऐसा नहीं कि बाहर नहीं खाते थे, बिल्कुल बर्थडे है पार्टी कोई ओकेशन तो डेफिनेटली हम भी बाहर जाते थे, ऐसा नहीं कि हम बाहर जाते ही नहीं थे, बट मोस्टली घर में। अब घर में देखो दोनों टाइम दाल चावल सब्जी रोटी बननी होती है, सुबह नाश्ता बनना होता है, रोज एक नाश्ता तो कर नहीं सकते, डिफरेंट डिफरेंट कुछ तो बनाओगे, तो जो आपने बचपन से सीखा है वही बनाओगे, बाहर से क्या लेके खा लोगे, तो बस इसलिए घर में सब बनता ही है। तो अब आइसक्रीम का सीजन चालू हो गया है, आइसक्रीम बनेगी, सब बनेगा, देखो दोबारा लॉकडाउन होता है क्या होता है, तो फिर और ज़्यादा टमी बढ़ेगी हमारी। पापे पे तो कुछ हैं एक दो बड़ी बड़ी ब्लॉगर्स, उनको क्या दिक्कत होगी पता नहीं, हमारे मोटापे का मजाक उड़ा दिया, बॉडी शेमिंग कर दी, नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो भी हस्बैंड वाइफ है, उनका छोटा सा बेबी है, बट हमारे मोटापे का काफ़ी मजाक उड़ाया काफ़ी, तो जैसे स्वीट वगैरह एक वीडियो में ऐसे उठ रहे थे, तो सेकेंड डे उन्होंने ब्लॉग बना लिया, उनकी ऐसी नकल मारते हुए ऐसे उठते हुए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है जी,
हमारा शरीर है, हम मोटे हैं, हम अपने कमाई से अपने घर में खा रहे हैं, आपसे मांग के तो खा नहीं रहे, तो आपको कोई हक नहीं बनता है हमारी बॉडी शेमिंग करने का। हमने तो कभी नहीं कहा, मुझे बॉडी शेमिंग करना पसंद नहीं है, बट हमने कभी नहीं कहा, हमें तो पहले पता ही नहीं था। अब पता चला कि मतलब उनके हस्बैंड के होट वगैरह कैसे दिखते हैं, पहले सब कुछ ढका हुआ था ना तो पता नहीं चलता था, दिख ही नहीं पाता था। अब दिखा है कि डोनाल्ड डक जैसे उनके होट है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। लेकिन अब फाइनली जब मुझे बुरा लगा है तो मैं कह रही हूँ, हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने मेरे मोटापे के लिए मेरे चेहरे पर चल भी ये कहा, हमने तो कभी नहीं कहा कि उनकी वाइफ की जो चैनल की मेन अट्रैक्शन है कपड़ों जैसी नाक है, आदमी जैसी दिखती है, हमने कभी नहीं कहा। लोग ऐसा कमेंट करते हैं, हमने ये भी नहीं कहा कि एलियन जैसे कान है, या फिर वो पर पूछ रहे वो डाकू नहीं होते थे शोले में, कितने बड़े बड़े मस्से होते थे। तो और ये सारे वर्ड्स हमारे नहीं है, आप तो एक मिनट, ये सारे वर्ड्स हमारे नहीं है, आप लोग जाके उनके चैनल पे देख सकते हैं, ये सारे कमेंट्स मैंने कल उनके चैनल पे पढ़े हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब किसने कहा है और क्या कहा है। तो उनको जितना मोटापे का मजाक उड़ाना है उड़ाने दीजिए, हम अपनी कमाई से खा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, किसी का मजाक उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सब्सक्राइबर हमको चाहते हैं, हमें देखना पसंद करते हैं, तो हमें देखते हैं, तो बाकियों को छोड़िए, छुट्टी मारी है। चल मन खराब, मन को खराब ना करते हुए करते हैं अपने नवरात्रि की तैयारी। कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा हिंदुओं का नया साल है, मेन नया साल तो वही होता, हम नकली न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन ट्रेंड में इसलिए सब लोग फर्स्ट जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं। हम भी विश करते हैं, डेफिनेटली विश करते हैं, क्योंकि अब आप जिस सोसाइटी में रहते हो तो चीज़ों को फॉलो करना पड़ता ही पड़ता है, और ऐसा नहीं कि हम मानते हैं या नहीं मानते, ठीक है वो न्यू ईयर है तो वो भी न्यू ईयर है, लेकिन हमारा तो हिंदुओं का यही न्यू ईयर है जी, कल से हमारा नया साल शुरू होगा। तो अब ये ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग भी शायद आज ही कंटिन्यू शुरू कर दूँ मैं, क्योंकि अभी जाना भी मार्केट वगैरह कल की तैयारियों के लिए। तो आज ही मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। जय माता दी, रब रखा, ओम नमो नारायण, जय श्री राम, love you all, take care, bye bye.